नमस्कार दोस्तों, ये यशु आईटी में आपका स्वागत है, बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कौन सी गन यूज़ कर सकते हैं, QBZ या AKM, एंड इसकी रिकॉइल कैसी है, कौन सी ग्रिप आपके लिए बेस्ट है, एंड क्या आप कंपेंसेटर बिना यूज़ किए QBZ को संभाल सकते हो, रिकॉइल को। मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे रिकॉइल को संभाल सकते हो, एंड सबसे इजी टेक्निक है, शायद बहुतों को पता है, हो सकता है बहुत जन को नहीं पता जो नए नए गेम में आए हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, ये बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है स्प्रे करने के लिए कोई भी गन। तो मैं टच जेस्चर से आपको दिखाऊंगा कि क्या करना है एंड क्या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैं चलता हूँ ट्रेनिंग में, मैं लूँगा QBZ एंड AKM, ये दो गन, क्योंकि लोगों में अभी बहुत ज़्यादा होगा कि मैं AKM यूज़ करूं या QBZ यूज़ करूं, दोनों गन ही ख़तरनाक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि QBZ का फायर रेट बहुत अच्छा है, बट AKM का डैमेज बहुत है, तो अभी भी मैं रिकमेंड करूंगा AKM ही मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उससे अच्छी गन मेरे ख्याल से आपको नहीं मिलेगी अगर आप उसका रिकॉइल संभाल लेते हो। तो मैं QBZ ले लेता हूँ एंड आई टेक सम एमोस, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, मेरे को बैकपैक चाहिए, आई एम गोना टेक वन बैकपैक। ओके, एक्चुअली आई एम नॉट, और मैं एक लूँगा AKM, जो कि मैंने आपको कहा यू गॉट AKM एंड विल टेक सम बुलेट्स, लेट्स गो एंड टेक अ एक्सटेंडेड मैग फॉर आवर QBZ एंड एक्सटेंडेड मैग फॉर आवर, ओह माय मिस्टेक, आई टू मिनी 40, लाइक सीरियसली, गिव मी दिस QBZ मैन, आई नीड इट। ओके, सो आई एम गोना टेक कंपेंसेटर फॉर बोथ ऑफ माय एयर्स, क्योंकि सप्रेसर से ज़्यादा अच्छी चीज़ कंपेंसेटर होती है, मैं QBZ को एक नंबर स्लॉट पर रखूँगा। चलो मैं यहाँ पे लूँगा वट, यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं लेना है, आई टेक एंगल ग्रिप, आई टेक थंब ग्रिप, आई टेक हाफ ग्रिप, लाइट ग्रिप, वर्टिकल ग्रिप, तो सारी ग्रिप मैंने ले ली है, सारी ग्रिप, लेट्स गो एड एंड टेक वन रेड डॉट, एक्चुअली टू रेड डॉट्स, सो गिव मी माई रेड डॉट, गिव मी वन मोर प्लीज, गुड थैंक यू, let's take some ammos. Give me, मैं बहुत सारी एक बार में लेकर रखता हूँ, क्योंकि मैं दोनों गन को आपको समझाऊंगा कैसे क्या करना है क्या नहीं, so, काफ़ी उठा लेता हूँ मैं, जिससे मेरे को बार बार आना नहीं पड़े, सो आई थिंक इट्स इनफ। मैं चलता हूँ सबसे क्लोज रेंज, यहाँ पे 15 मीटर वाला आप देख सकते हैं, वो आपको तो वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन मैं सामने से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो लोग एक्चुअली शूट करते हैं अपना, अगर देखा जाए तो ये जो मूवमेंट का जो रहता है, वो मूवमेंट वो यूज़ करते हैं अपना, स्कोप आउट करते हैं, ठीक है, देन शूट करते हैं राइट वाला से, तो राइट वाला से जब आप शूट करोगे हिलते हिलते, तो आप अपना रिकॉइल को संभाल नहीं सकोगे, रिकॉइल संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है और पी कैन ओपन स्कोप को एनेबल करना है, पी कैन ओपन स्कोप को एनेबल करना है, ये आपको बहुत मदद करेगी। तो आप जैसे ही पिक करोगे लेफ्ट या राइट, आपका स्कोप ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, ये सेटिंग में ये काम होता है। तो आप देख सकते हैं मैं लिफ्ट कर रहा हूँ तो लेफ्ट में स्कोप, राइट कर रहा हूँ तो राइट में स्कोप, है ना। आपको क्या करना है, जस्ट मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, विदाउट ड्रैगिंग एनीथिंग, मैं अपना फिंगर को ड्रैग नहीं करूँगा, थंब को सॉरी, मतलब स्क्रीन को मैं ड्रैग नहीं करूँगा, एंड आई विल शूट, जैसे आप देख सकते हो मैं ये ड्रैग कर रहा हूँ, आई एम ड्रैगिंग दिस विदाउट शूटिंग, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ शूट करूँगा और देखूँगा रिकॉइल कितना है। मैं एकदम नीचे से स्टार्ट करता हूँ, लेट्स सी QBZ का रिकॉइल कितना है विथ थंब ग्रिप लेते हैं सबसे पहले, ओके थंब ग्रिप लेते हैं एंड एकदम नीचे से स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिकॉइल कितना है, आई जस्ट शूट, तो आप देख सकते हैं थंब ग्रिप का रिकॉइल इतना है विदाउट ड्रैगिंग एनीथिंग, मतलब आप कुछ ड्रैग नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप शूट कर रहे हो, सिर्फ आप शूट किए हो, तो इसका एकदम सीधा गया, थोड़ा सा इधर उधर हुआ था बट कोई टेंशन नहीं है। तो थंब ग्रिप इज़ अ गुड ग्रिप,
इससे आपका स्कोप बहुत जल्दी बाहर आता है। जितने जन को नहीं पता मैं समझा देता हूँ। लेट्स गो विथ हाफ ग्रिप, एंड हाफ ग्रिप में मैं आपको दिखाता हूँ एकदम नीचे से आई विल शूट विदाउट ड्रैगिंग। ठीक है, लुक एट दिस। सो आई थिंक हाफ ग्रिप इज मच बेटर देन थंब ग्रिप, क्योंकि रिकॉइल थोड़ा सा कम है थंब ग्रिप से। लेट्स गो फॉर लाइट ग्रिप विदाउट ड्रैगिंग। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं अभी विदाउट ड्रैगिंग कर रहा हूँ। ठीक है, आई जस्ट शूट, लुक एट दिस, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा सब तरफ जा रहा है। सो लाइट ग्रिप इज नॉट दैट गुड, हाफ ग्रिप अभी तक सबसे बेस्ट है। लेट्स गो विद वर्टिकल ग्रिप। वर्टिकल ग्रिप में जाते हैं एंड विल शूट। इसका रिकॉइल उतना ज़्यादा नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि इधर उधर थोड़ा सा मूवमेंट किया था जो कि आपको प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन वर्टिकल ग्रिप हाफ ग्रिप से कम रिकॉइल आपको दे रही है। लेट्स गो विथ एंगल्ड ग्रिप। आई थिंक ये ग्रिप थोड़ा सा धोखा देगी ये गन में। लेट्स सी विदाउट ड्रैगिंग, लुक एट दिस। मतलब ये ग्रिप थंब ग्रिप जितनी आप बोल सकते हैं रिकॉइल कर रही है। ठीक है, मैं सबसे अच्छी ग्रिप मेरे को लगी हाफ ग्रिप, सो लेट्स गो विथ इट। हाफ ग्रिप लेते हैं। ठीक है, विथ कंपेंसेटर। मैं बार बार बोल रहा हूँ कंपेंसेटर मेरा हर शॉट में था, हर एक शूट में मेरा कंपेंसेटर था। सो वी हैव टू यूज़ आवर कंपेंसेटर विथ हाफ ग्रिप। लेट्स गो एंड ट्राई इट विथ अ ड्रैग। सो पिक करना है आपको, आपको स्कोप आउट करना है। जस्ट आपको स्कोप ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझो ये कोई बंदा है, जस्ट पिक एंड शूट। आपको दिख रहा होगा मैं यहाँ ड्रैग कर रहा हूँ राइट साइड में, ये ड्रैग कर रहा हूँ। तो आप समझो आपको कोई ये कोई बंदा, जस्ट पिक एंड शूट। He'll be dead. He'll be dead in seconds. सारा शॉट्स बॉडी लग रहा है, मैं वहीं पे शूट कर रहा हूँ, मैं वहीं पे शूट कर रहा हूँ। लेट्स गो विथ हेड शॉट। सॉरी ये थोड़ा सा मेरा मिसप्लेस हुआ, आई एम आउट ऑफ एमोस, आई विल टेक सम हेड शॉट। एक्चुअली आप देखा जाए तो यही वाला हेड शॉट हुआ, क्योंकि उतना ऊपर तो भाई किसी का मुंह रहता नहीं है, बट फिर भी कोई घर में रहा कुछ भी रहा। आपको पिक करना है एंड शूट। ओ माय गॉड, फॉरगॉट टू रीलोड। नाउ दिस इज हाउ यू कंट्रोल द रिकॉइल ऑफ क्यूबीसी। इट्स इजी एज फक, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। हाफ ग्रिप यूज करो, कंपेंसेटर यूज करो। विदाउट कंपेंसेटर चलिए ट्राई करते हैं, बाय चांस आपको कंपेंसेटर नहीं मिला तो आपको कैसे करना है। लुक एट दिस, कितना प्रॉब्लम हो रहा है इधर उधर। दैट मीन्स विदाउट कंपेंसेटर हाफ ग्रिप इज नॉट दैट गुड। आई रिमूव इट एंड आई पुट वर्टिकल ग्रिप, क्योंकि ये ग्रिप विदाउट कंपेंसेटर आपको कम रिकॉइल देगा, मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। ओके, मतलब वर्टिकल ग्रिप भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ये मेरा गलती था। लेट्स गो विथ अदर थिंग, थंब ग्रिप। ओके, थंब ग्रिप इज़ गुड विदाउट कंपेंसेटर, एंड मेरे ख्याल से एंगल ग्रिप भी अच्छा रहेगा। आई टेक सम एमोस, लेट्स गो रीलोड एंड हेड पे मारते हैं। ओके, द एंगल ग्रिप इज़ गुड विदाउट कंपेंसेटर, बट मैं कंपेंसेटर के साथ आपको रिकमेंड करूँगा ये हाफ ग्रिप, क्योंकि सबसे बेस्ट मेरे को यही लगी। एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे यूज़ करते हो, ट्रैक कर सकते हो या नहीं। आप देख सकते हो गोलियाँ की जो मार्क्स आपको दिख रही है वो जो हट जाती है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। सो आई थिंक आपको क्यूबीसी का रिकॉइल समझ में आ गया हो, लेकिन AKM का अगर आप रिकॉइल संभाल सकते हो तो गो फॉर AKM। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको बिना विदाउट ट्रैक दिखा रहा हूँ विद कंपेंसेटर। लुक एट दिस, रिकॉइल विद ड्रैग, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब रिकॉइल है इसमें। अगर इसका रिकॉइल आप संभाल सकते हो, स्प्रे करने का मेटा जो रहता है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पिक नहीं करते हो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। सो पिक एंड शूट,
जब भी आप शूट कर रहे हो आपको पिक करना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि QBZ का रिकॉयल आप कैसे संभाल सकते हैं एंड AKM का रिकॉयल कैसे संभाल सकते हैं। मैं बार बार बोलूँगा, अगर आपको AKM का रिकॉयल संभालने में कोई दिक्कत नहीं होती है सो गो फॉर AKM। जैसे मैं खुद AKM प्रेफर करता हूँ एंड QBZ इज़ अ गुड गन नो डाउट। लुक एट दिस, QBZ का रिकॉयल उतना मतलब हार्ड नहीं है लेकिन AKM का रिकॉयल थोड़ा सा हार्ड है। लुक एट दिस, इधर उधर सब तरफ हो रहा। सो अगर आपको शूट करना है इधर उधर करके देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मूव इट लाइक दिस। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा AKM में है, QBZ में उतना नहीं है। लॉन्ग शूट करते हो आल गो विथ QBZ। अगर डिस्टेंस का आप शूट कर रहे हो विथ स्प्रे रेड डॉट में, लाइक आप समझ लो करीबन 80 मीटर दूर है सो गो फॉर QBZ। एंड AKM का रिकॉयल मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर संभाल सकते हो सो गो फॉर इट। और अगर आप प्रोन करके शूट करते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ विद AKM, उतना रिकॉयल नहीं होगा। अब देखो उतना रिकॉयल नहीं है प्रोन करके कोई भी गन का। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। QBZ का रिकॉयल मैंने आपको समझाया आपको कैसे करना है, AKM का रिकॉयल भी मैंने समझाया ये वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं बार बार बोलूँगा अगर AKM का रिकॉयल संभाल सकते हो गो फॉर AKM और एल्स QBZ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर देना, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, टेक केयर एंड लाइव स्ट्रीम डेली होती है मेरी तो टर्न ऑन दैट नोटिफिकेशन बेल, जब भी मैं लाइव जाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय बाय।